डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 19 दिसंबर 2018। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर आईएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। ये यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं, हम फुल्ली पेड कोर्सेज रन करते हैं, इधर एसएससी सीजीएल के लिए हैं, इस ओर एचसीएस यूपीएससी आरएस इत्यादि के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट करें। कल की जो क्विज थी उसके मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का ताज किसे पहनाया गया, इसका उत्तर है श्री सैनी। अगला प्रश्न है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जिसने मिजोरम में सरकार गठन किया है, उसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। भारत की साक्षरता दर जो थी वो 16.67% थी। ये तीन प्रश्न मैंने आपसे कल की क्विज में पूछे थे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ओ और पहला प्रश्न जो है एक खुशखबरी के साथ शुरू होता है कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, आंसर है पीवी सिंधु। उत्तर इसका पीवी सिंधु है और पीवी सिंधु ने ये जीता है 16 दिसंबर 2018 को। और ये कहां पर हो रहा था, ये हो रहा था चीन में। और रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हैं पीवी सिंधु, ये पहली भारतीय बनी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर में। तो आइए एक तस्वीर देखते हैं पीवी सिंधु की, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, प्रश्न दो, हाल ही में किस देश ने वन्य जीव को वापस लाने के लिए 5 कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। तो 5 कृत्रिम द्वीप बनाने वाला ये जो देश है ये है नेदरलैंड। नेदरलैंड में ये 5 कृत्रिम द्वीप बनाए गए हैं, द्वीप बनाए गए हैं, इनको जोड़ा गया है, ओके। और वहाँ पर यूरोप का एक बहुत बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ताजे पानी की झील है जहाँ पर कि इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया गया है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि इस वर्ष वहाँ पर करीबन 30,000 स्वॉलोज जो एक प्रकार की चिड़िया होती है वो वहाँ पर आई, ओके। साथ ही साथ आपको ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ इस पर यहाँ पर और भी तरह तरह के पक्षी वगैरह आए और तरह तरह के प्लांट्स वगैरह यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। और ये किसने किया, ये सारा इनिशिएटिव किसने लिया, एक डच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचर के पर्यावरण के रख रखाव के लिए काम करती है, उसने ये इनिशिएटिव लिया है। अब मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ एग्जैक्टली नेदरलैंड कहां। ये देखिए अगर आप यूरोप में देखते हैं तो यहां पर ये जो आपको सफेद रंग का कंट्री नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं नेदरलैंड। नेदरलैंड जो है इसके बगल में एक और कंट्री है बेल्जियम, ओके। इन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है नेदरलैंड। यहाँ पर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है, एम्स्टरडैम। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर डच है और यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्क है विलियम एलेक्जेंडर और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुटे। और यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी हाई है, जो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है। करेंसी यहाँ पर यूरो और US डॉलर है। तो ये थी जानकारी नेदरलैंड के बारे में। नेदरलैंड का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है लोअर कंट्रीज। यहां पर अधिकतर जो लैंड है 50% से ज्यादा, ओके, ऐसा है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर अबव सी लेवल नहीं है। और नेदरलैंड जो है ये वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है। ट्यूलिप्स के लिए, ट्यूलिप एक प्रकार का फूल होता है, विंडमिल्स के लिए, साइकिलिंग रूट्स के लिए जाना जाता है। नेदरलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्यूलिप का सप्लायर है। तो ये थी जानकारी नेदरलैंड के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पश्चिम जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है। मान्यता देने वाला कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये उन थोड़े से कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है वेस्ट जेरूसलम को एज कैपिटल ऑफ इजराइल, ओके।
ये ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं देशों में से बन गया है। इसराइल और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो ये दावा करते हैं कि जेरूसलम उनकी राजधानी है और इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए आंसर जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। मैंने आपको अक्सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी दी है, आज आप मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि वहां पर राजधानी क्या है, आप मुझे इसका कैपिटल बताएं। ओके, कैपिटल के बाद अब आप उसके बाद फिर आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं, यहां पर करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, ये बताएं। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड में ये कौन से नंबर का कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइज, यहां पर जो सबसे बड़ा जो शहर है, लार्जेस्ट सिटी, वो उसके बारे में आप मुझे बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल टाइम जोन कितने हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में दीजिए। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो 15 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर जो है वो सी है। ठीक है, ये है इंटरनेशनल टी डे। 15 दिसंबर 2018 इंटरनेशनल टी डे मनाया गया और ग्लोबल अटेंशन यानी कि पूरी दुनिया का ध्यान हम इस ओर खींचना चाहते हैं टी ट्रेड के ऊपर। टी गार्डन्स वगैरह होते हैं, चाय के बगान होते हैं, उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो ग्रोवर्स हैं, जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन सब की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर आंसर है हमारा 15 दिसंबर, और यहाँ पर आप देखिए 15 दिसंबर इंटरनेशनल टी डे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन से लोकप्रिय गायकों को संगीत महासम्मान, ओके ये सम्मान होगा, पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो संगीत महासम्मान पुरस्कार है ये दिया गया है दो बहुत फेमस बॉलीवुड सिंगर्स को, शान और अरिजीत सिंह। ठीक है, शान और अरिजीत सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार कौन देता है? ये पुरस्कार जो है वेस्ट बंगाल की सरकार द्वारा दिया जाता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देती है। वहां पर बंगाली म्यूजिक और फोक कल्चर को लेकर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि जो चीफ मिनिस्टर है वहां पर ममता बनर्जी, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। 8 दिन का ये बांग्ला संगीत, ओके, और एंड विश्व बांग्ला लोक संस्कृति उत्सव होगा, और जिसमें ये पुरस्कार इन दोनों को दिया गया। तो शान और अरिजीत सिंह जो है वो हमारे उत्तर है। ये तस्वीर है शान और अरिजीत सिंह की। अगला प्रश्न, हु बिकेम मिस यूनिवर्स 2018? मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2018 जो बनी है उनका नाम है कैटरीना एलिजा ग्रे, ये बनी है नई मिस यूनिवर्स। और जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट है इस बार ये कहाँ पर आयोजित हुआ? इस बार ये आयोजित हुआ था थाईलैंड में, और ये कहाँ की हैं? ये फिलीपींस की हैं। ये तीन प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 24 वर्षीय हैं ये, फिलीपींस की हैं ये बनी है मिस यूनिवर्स 2018। इसमें कुल 93 कंटेस्टेंट्स ने भाग लिया दुनिया भर से, और इनको क्राउन किया गया है। साथ ही मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में आपको नई मिस वर्ल्ड का नाम भी बताया था। आप मुझे नई मिस वर्ल्ड का नाम बताइए और वो कौन से कंट्री से थी ये भी बताइए। अब मैं आपको मिस यूनिवर्स 2018 की एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है नई मिस यूनिवर्स 2018। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित अपनी पहली पुरुष हॉकी विश्व चैंपियनशिप जीती है? ये विश्व चैंपियनशिप जीती है बेल्जियम ने। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उत्तर हमारा ए है। बेल्जियम ने नेदरलैंड को डिफीट किया शूटआउट मैच में, और इन्होंने बेल्जियम ने जीता है अपना फर्स्ट मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप इन्होंने जीता। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारी ही कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा था, इसको भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। ये तीसरी बार है जब इंडिया ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया, और पहली बार है कि ये भुवनेश्वर ओडिशा में ऑर्गेनाइज हुआ। 28 नवंबर 2018 को हाल ही में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो हमारा ओलिव रिडले टर्टल है, ओके टर्टल ओले, वो इसका इस बार मैस्कॉट था। तो अब मैं आपको बेल्जियम दिखा देती हूं मैप में एग्जैक्टली कहां है। ओके, उससे पहले आप ये एक हैप्पी टीम देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो छोटा सा कंट्री है यहां पर जो लोकेटेड है ये है बेल्जियम। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटीज की ब्रुसेल्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज डच, फ्रेंच और जर्मन है। यहाँ पर 60.7% लोग ऐसे हैं, 60.7 जो कि ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, और करेंसी यहाँ पर यूरो है। ये थी जानकारी बेल्जियम के बारे में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 8, पाप का देवता उपासना के योग्य, ओके पाप का देवता उपासना के योग्य आसाराम बापू
का प्रभाव और पतन ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पुस्तक लिखी है उशिनोर मजुमदार ने। ओके, उशिनोर मजुमदार ने ये पुस्तक लिखी है, आशाराम बापू पर ये पुस्तक है, और 16 दिसंबर 2000 को ये जो पुस्तक है इसको रिलीज किया गया। क्वेश्चन 8, आंसर हियर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हैं हम प्रश्न 9 पर। यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ टॉलरेंस इसको घोषित किया गया है। हमने ईयर ऑफ टॉलरेंस जो है वो घोषित किया है साल 2019 को। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हमारा बी है 2019। 15 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं एच शेख खलीफा बिन जायद अल नयन ने डिक्लेयर किया 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस के रूप में सहिष्णुता का वर्ष, और साथ ही वो इस चीज़ की ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि यूएई जो है वो सारी दुनिया की राजधानी बन सकता है जब बात की जाती है सहिष्णुता की, टॉलरेंस की, और वहाँ के लोगों में, लोकली, रीजनली, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में यूएई पूरी कोशिश करेगा कि वो इस भाव को डेवलप कर सके। और ये जो ईयर ऑफ टॉलरेंस है ये 5 चीज़ों पर फोकस करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर है हमारा यूएई। अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है यूएई। ओके, ध्यान से देखिए, अगर आप अरेबियन पेनिनसुला को देखते हैं, यहाँ पर ये जो छोटा सा कंट्री है ये है यूएई। ओके, कैपिटल यहाँ पर आबू धाबी है, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल खतूम, और करेंसी है यहाँ पर यूएई दिरहम, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल करेंसी है। ठीक है, दुबई में दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग है, वहाँ पर बुर्ज खलीफा है, दुबई में लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड है, वहाँ पर पाम आइलैंड है, बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, फास्ट लाइफ के लिए दुबई जो है दुनिया भर में जाना जाता है। चलिए चलते हैं अब हम अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न में क्वेश्चन 10, यहां आपसे पूछा गया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखो, हाल ही में चुनाव हुए हैं और बहुत सारे राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने, पर रोज मैं केवल एक के बारे में ही आपको बताती हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। तो कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के तीसरे चीफ मिनिस्टर? आंसर है भूपेश बघेल। ठीक है, 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस के जो लीडर थे भूपेश बघेल, वो बने हैं तीसरे चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और जो वहाँ पर गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने इनको शपथ दी। अब आप मुझे छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम लिखकर बताइए, साथ ही साथ भूपेश बघेल जी से पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और हाल ही के दिनों में मैंने आपको राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बताए, मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बताए, और नॉर्थ ईस्ट के भी एक राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बताए, उनके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। अब हम मैं आपको भूपेश बघेल जी की एक तस्वीर दिखा देती हूं। ये देखिए, ये है नए चीफ मिनिस्टर। अब अक्सर आप इनको टीवी वगैरह पर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको ले आती हूं स्टैटिक जीके पर, और स्टैटिक जीके में कल मैंने शुरुआत की थी भारत रत्न के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और 1954 में, जैसे कि मैंने बताया था, ये पुरस्कार पहली बार दिया गया, उसके बाद से ये 45 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें 12 वो लोग हैं जिनको ये मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत दिए जाने वाले लोगों में जो लाल बहादुर शास्त्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। 40 साल की उम्र में जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, वो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। और सामाजिक सुधारक जो हैं घोंडो केशव कर्वे, उनको उनके 100वें जन्मदिन पर, ओके, ये मिला था भारत रत्न। तो ये 104 साल के होकर मरे और 100वें जन्मदिन पर मिला, तो प्रॉबली वो व्यक्ति जो जीवित भी था और सबसे ज़्यादा उम्र में उसको ये पुरस्कार मिला, वो हैं आपके, आप कह सकते हैं घोंडो केशव कर्वे। हालांकि भारत रत्न जो है ये आम तौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन मदर टेरेसा और दो और ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो है पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान और दूसरे हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इन लोगों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मदर टेरेसा मूल रूप से भारत की नहीं थी, अल्बेनिया की थी, लेकिन आगे जाकर इनको नेचुरलाइज्ड तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। और खान अब्दुल गफार खान जो हैं ये पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अक्सर ऐसे प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि फर्स्ट फॉरेनर, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, तो उत्तर है उसका खान अब्दुल गफार खान।
24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने मदन मोहन मालवीय जिनको मरणोपरांत और पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी को भी पुरस्कार देने की घोषणा की थी और उसके ये लेटेस्ट वो हैं ओके ये नवीनतम वो नाम है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया। तो ये थी जानकारी भारत रत्न से संबंधित। अब हम चलते हैं आज की क्विज पर। क्विज में मैंने आपसे पूछा कि किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया था ये बताइए। हाल ही में किस देश ने वन्य जीव को वापस लाने के लिए 5 कृत्रिम द्वीप बनाए हैं और मिस यूनिवर्स 2018 कहां आयोजित किया गया। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे उनके आंसर दीजिए, ये आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले डियर स्टूडेंट्स। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमॉरो। बाय बाय।